Swami Omji Maharaj, who was outstayed from reality TV show Bigg Boss 10 due to his outrageous antics, once again confused everyone with his controversial remark at a recently held press conference in New Delhi. Swami Omji, whose word and acts always hit a new low each time, revealed a lot more secret about the show and its host and superstar Salman Khan. एक बात खास तौर पर बताना चाहता हूँ, जगह जगह मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने पेशाब फेंका पानी के ऊपर में, जबकि सच ये है कि मैंने पेशाब नहीं फेंका था, मैंने सिर्फ पानी फेंका था। आप लोग भी मानव हैं, इंसान हैं, आपने कैमरे में देखा होगा कि मैं एक खाली मिट्टी का बॉल लेकर के बाथरूम में जा रहा हूँ और विद इन 3 सेकेंड में वापस आता हूँ। 3 सेकेंड के अंदर कोई भी आदमी 1.5 लीटर पेशाब नहीं करता, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन चूंकि उनको टीआरपी चाहिए, मुझसे उन्होंने 4 तारीख को मैं एक डायलॉग जरूर बुलवाया, ये मुझे ये कहा कि स्वामी जी इस पानी को पेशाब बोलना ताकि टीआरपी हमारा बढ़े। मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे निकालने का जो असली प्लान है उनका उस एक्टिंग से शुरू होगा। 30 दिसंबर को बिग बॉस के इतिहास में पहली बार सलमान खान मेरे से मिलने के लिए बिग बॉस के घर के अंदर आए थे। कभी नहीं आते हैं वो, वहाँ से बहुत दूर एक अलग से स्टेज रहता है जहाँ से स्क्रीन के जरिए वो हमसे बात करते हैं। और जिस वक्त वो अंदर घर के अंदर आए थे, उन्होंने मुझे किंग ऑफ फुटेज का अवार्ड दिया। अवार्ड देने के बाद, चूँकि वो चेन स्मोकर हैं, उनको सिगरेट की तलब लगी, उन्होंने बाहर से लंबा सा सिगरेट लिया और उसको वहीं पर वो जलाने लग गए। तो मैंने उनको कहा कि आपको यहाँ पर हम नहीं पीने देंगे, भले आप किसी के सुपरस्टार हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो नियम है घर का, उस नियम का पालन करना पड़ेगा। सामने ये स्मोकिंग रूम बना हुआ है, आप वहाँ जा करके पीजिए। वैसे भी मुझे स्मोकिंग से नफरत है क्योंकि मैं उसके खिलाफ प्रचार करता हूँ और मुझे एलर्जी है। वो व्यक्ति वहाँ भी नहीं रुका, उसके बाद उसने सिगरेट का कस लिया और वो जानता था कि मुझे सिगरेट का धुआं पसंद नहीं है, उसने मेरे मुंह पे वो कस फूका। मेरे गुस्से का सीमा खत्म हो चुका था, अंत में थक करके मैंने जोरदार झंडादार थप्पड़ मारा और मैंने कोशिश की तो उस आदमी को घसीट करके मैं लाऊं बाहर कैमरे के सामने। तब तक मुसलमान होते हुए भी वो आदमी मेरे पैर पकड़ लिया कि मेरी इज्जत कीजिए। जो लड़के वहां पर थे वो भाग करके आए, उन्होंने पैर पकड़ा, स्वामी जी आप प्लीज, आप हमारे पिता समान, आप हमको बेटा कहते हैं, मेरे खातिर सलमान खान को आप छोड़ दीजिए। मैंने उस वक्त सलमान खान को छोड़ा। मुझे उन्होंने आवाज दी, स्मोकिंग रूम में कैमरा नहीं होता। मैं वहां पर गया और मुझे मेरे जाने के बाद सलमान खान, जो कि शराब के नशे में धुत थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि स्वामी ओम जी, आपकी जो ओम जी हिंदू सेना है, मुकेश जैन की जो धारा सेना है, उससे बड़ी सेना मेरे पास में है। मैंने कहा वो कैसे, तो वो कहने लगे कि हाफिज सईद, जिसकी कोई संगठन हो गया आतंकवादी संगठन, दाऊद इब्राहिम, अजहर मसूद, जिसका कोई संगठन है आतंकवादी, मुझे नहीं मालूम उसका नाम, जैसे मोहम्मद ऐसे कुछ बोल रहे थे वो, और अबू सलेम, ये लोग सब मेरे दोस्त हैं, मैं ISI का एजेंट हूँ, ये सारे के सारे मेरे इशारे पे चलते हैं, इनके इशारों पे मैं चलता हूँ, शाहरुख खान, आमिर खान, इन लोगों को मेरे इशारे पे, दाऊद के इशारे पे आदेश दिया गया है कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हीरो होंगे, हीरोइन हिंदू होगी, ताकि लव जिहाद को चलाया जा सके और आगे आने वाले समय में इस देश को मैं इस्लामिक कंट्री बना के रहूंगा, कोई ताकत रोक नहीं सकता। बॉस जो रियल में बिग बॉस है, उनसे लेकर के उनके CEO तक, राइट फ्रॉम MD, CMD, CEO, डायरेक्टर्स, सारे मुझे पिछले साल भी मिले थे। उन्होंने तब भी मुझे 5 करोड़ का ऑफर किया था, मैंने टुकड़ा दिया था। 5 करोड़ मुझे देने का ऑफर किया बिग बॉस में जाने के लिए, सुन लीजिए, मैंने टुकड़ा दिया था। इस बार भी वो लोग आए, मुझे फिर से 5 करोड़ का ऑफर किया, मैंने टुकड़ाया। मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रामराज्य चाहिए, भारत देश, हमको सुपर पावर चाहिए। Earlier, the self-proclaimed Godman Omji too made several claims without any basis. INS report.